हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लग्जरी मॉड्यूलर किचन की। इस किचन की क्या खास बात है और ये कितने दिन में बनके तैयार हुआ है, और इस किचन के अंदर कौन सी कंपनी का वुड और कौन सी कंपनी का इस किचन के अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, और ये इसका जो प्लेटफॉर्म का सा साइज है यानी कि किचन का जो साइज है वो क्या साइज है, और इसकी सर्विस कैसी है, और इसकी जो लाइफ है वो कितनी है, इन सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस मॉड्यूलर किचन की एक वीडियो दिखा देता हूं जो हमने मॉड्यूलर किचन बनाया है। तो उस मॉड्यूलर किचन की वीडियो देखने के बाद हम आपको उस मॉड्यूलर किचन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर कौन सी कंपनी का वुड, कौन सी कंपनी का इसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, और इस किचन का जो साइज है वो क्या साइज है, और इसकी सर्विस कैसी रहेगी, और इसकी जो लाइफ है वो कितनी है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें फर्नीचर टेक। चलिए अब हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं। जो इसका जो किचन है वो क्या साइज है, तो इस किचन का जो कॉर्नर साइज है यानी एल शेप में ये बना हुआ है, इसका साइज है 7x7, और इसका जो नीचे का जो प्लेटफार्म है उस प्लेटफार्म का साइज है 7x3। तो हमने 7x3 में फर्स्ट नंबर यानी कि जो राइट हैंड पे जो हिस्सा है उसमें हमने दो तीन रोज यानी कि चैनल जिसको हम ट्रॉली बोलते हैं,
चार इंच, छह इंच, छह इंच। एक्चुअली क्या होता है, चार इंच, छह इंच, आठ इंच लगता है, लेकिन इसमें जो प्लेटफॉर्म का जो साइज था वो कम था, इस कारण हमने इसमें ऊपर चार इंच कटलरी, फिर कप सॉसर और एक प्लेन नीचे डाला है। उसके बाद हमने इसमें जो कॉर्नर था वहां पर हमने सिर्फ एक कॉर्नर पल्ला दिया है, जैसा कि आप अभी देख रहे हो। मैं एक एक चीज आपको बताता जाऊंगा और उसी को वीडियो और फोटो के माध्यम से आपको दिखाता रहूंगा कि हमने क्या क्या, जिस चीज पर मैं टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ दिखाता भी रहूंगा। तो फिर अब बात करते हैं एल शेप में जो आगे का हिस्सा है, उसमें हमने छह ट्रॉली ली है, जिसमें ऊपर जो लाइन है जो आप फ्रंट का जो चार इंच का हिस्सा है उसमें हमने कटलरी और वायर कटलरी और एक सीट कटलरी ली है। फिर चार इंच में हमने लिया है एक थाली और एक प्लेन। फिर सबसे नीचे वाले में हमने लिया है दोनों प्लेन, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस किचन में ट्रॉली लगाई है। तो अब आता है वॉश बेसिन वाले, तो उसमें हमने सिर्फ दो डोर लगाए हैं। डोर लगाने के बाद हमने इसमें एक डस्टबिन की जो ट्रे होती है वो लगा दी है। अब बात करते हैं मिडिल, यानी कि जो बीच में जो रेक होता है उसमें हमने 7x7 का पूरा एक रेक बनाया है, जिसमें हमने सिर्फ दो डोर लगाए हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हो। कॉर्नर डोर है, फिर चिमनी है, चिमनी को हमने डिजाइन काट के वहां पे पैक किया है, और उसके बाद यहाँ पर डोर है और साइड में एक जो है वहां पर सिंगल पल्ला लगाया है। और ऊपर जो रेक के ऊपर जो है उसको टांड बोलते हैं, जो सेल्फ वगैरह पत्थर की जो डली हुई होती है उसके ऊपर हमने सामने से फ्रंट करने के बाद इसके अंदर बीच में पार्टीशन डाला है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि किचन जो सेल्फ छत से लेके जो सेल्फ की जो डिस्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी, यानी कि करीबन नहीं वो 3.5 फीट के समथिंग थी, तो इसी कारण बीच सेंटर में हमने एक सेल्फ डाला है जिससे कि वो डबल स्टोरेज हो जाए और आपके जो पार्टीशन है वो ऊपर नीचे आ जाए। अब इसमें जो हम बात करते हैं मटेरियल की, मटेरियल इसमें एक्सेंट ऐसा कंपनी का लगाया गया है, जैसा कि आप अभी देख रहे हो। इसमें एक्सेंट ऐसा कंपनी का जो फ्रंट है जो ग्लोसी वाला आप देख रहे हो, ये सिल्वर और ये पिंक वगैरह है या बैंगनी कलर जो भी आपको दिख रहा है, ये शाइनिंग वाला है, हाई ग्लोसी डेंसिटी का है, तो ये यूवी कोटेड है, ये भी एक्सेंट ऐसा का, हमने सिर्फ इसको फ्रंट में यूज किया है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड में जो आप व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है आपको, तो ये बैकग्राउंड में हमने सिर्फ एक्सेंट ऐसा का HDHMR बोर्ड यूज किया है, क्योंकि HDHMR क्या होता है, जो नॉर्मल प्लाई होती है उससे काफी मजबूत होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा होती है और डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और ये पानी से जल्दी खराब भी नहीं होता आम प्लाईवुड के मुकाबले, तो इसलिए हमने HDHMR को पीछे यूज किया है और फ्रंट में एक्सेंट ऐसा का यूवी कोड यूज किया है। और इसकी जो टक्कर देख रहे हो, ये जो व्हाइट कलर और ये बैंगनी कलर के जो टक्कर देख रहे हो, ये यहाँ पर हमने PVC यूज किया है, यानी कि PVC रिप को टक्कर पे इसके यूज किया गया है। तो इसका साइज का जो था वो हमने आपको बताया है, इसके अंदर कौन सी कंपनी का मटेरियल लगा था वो भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, तो इसमें हार्डवेयर हमने हिटेक कंपनी का लगाया है, जिसमें कि आपको जो चैनल है, ऑटो हिंजेस है और आपकी जो ट्रॉली है, ये सब हिटेक कंपनी का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर 20x20 की हमने ट्रॉली यूज की है, 4 इंच 6 इंच 8 इंच, ये 6mm मोटी है, यानी 6mm की वायर ट्रॉली है जो हमने इसके अंदर यूज की है, और इसके अंदर जो ऑटो हिंजेस है वो भी हिटेक के सॉफ्ट क्लोजर हिंजेस है। तो ये सारी क्लियर हो चुका है जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि एल शेप का जो किचन था इसके अंदर कौन सी कंपनी का हार्डवेयर है, कौन सी कंपनी का इसके अंदर वुड इस्तेमाल किया गया है और कौन सी कंपनी का इसके अंदर वुड है। और अब जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, साइड में हमने यहाँ पे स्पेस था तो यहाँ पर हमने प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने एक क्रॉकरी यूनिट बनाया है जिसका साइज है 5x7 यानी के 60 इंच बाई 84 इंच, और इसकी जो डेप्थ है वो है करीबन 18 इंच। तो इसमें हमने नीचे पल्ले लिए, तो इसमें भी हमने पीछे का जो बैकग्राउंड है जो HDHMR का यूज किया है माइका लगाकर, और फ्रंट में यूवी कोटेड जैसा कि हमने किचन में यूज किया, क्योंकि शेड्यूल जो है वो एक जैसा है, तो इस किचन का जो शेप है वो यू शेप है, यू शेप का किचन है, तो इस किचन का जो यू शेप का जो साइज है वो 7x7x7 है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। अगर आप भी ऐसे ही एक लग्जरी मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं तो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फर्नीचर से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो क्या था, तो गाइस इसका एक्चुअल प्राइस था 1,35,000 रुपए, लेकिन हमने ये 95,000 में तैयार करके दिया है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, जब इसका 1,30,000 का वो 1,35,000 का तो इसका बजट है, कॉस्ट आई है और आपने तैयार कैसे किया है 95 में,
यही जानने के लिए हमने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस नंबर से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।